राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की महामारी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में फिर से कोरोना वायरस से संक्रमण के नए केस 1000 के पार आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 6 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1011 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोरोना संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में इस अवधि के दौरान 15,742 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट भी 6 के पार पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 6.42% पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ताजा स्थिति क्या रही है? कुल मामले 18,75,887, कुल रिकवरी 18,45,551, कुल मौतें 26,168, पॉजिटिविटी दर 0.42% है। सक्रिय मामले 4,168 हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस भी 4,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 4,168 एक्टिव केस हैं। बताया जाता है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से संक्रमित 90 मरीज भर्ती हैं। बाकी का उपचार होम आइसोलेशन में चल रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं टेस्ट में कमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि एक दिन पहले दिल्ली में कोरोना के 1,083 नए मामले सामने आए थे। तब तक 24,177 सैंपल टेस्ट किए गए थे। एक दिन पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 3,975 एक्टिव केस थे। पॉजिटिविटी रेट भी 5% के नीचे था, जो बढ़कर अब 6% के पार पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।